एक कमर्शियल प्लेन 57 पैसेंजर्स को लिए एक छोटी सी फ्लाइट पर निकलता है, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद अचानक से रेडार से गायब हो जाता है। कुछ समय तक लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर समय बीतने के साथ भूल जाते हैं। मगर लोगों को असली झटका तब लगता है जब 37 साल बाद ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड करता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की फ्लाइट 914 के बारे में, जिसे एविएशन हिस्ट्री का सबसे रहस्यमय हादसा माना जाता है। तो क्या है इस फ्लाइट से जुड़ा रहस्य? कैसे ये प्लेन 37 सालों तक गायब रहने के बाद वापस जमीन पे उतरा, और इसमें सवार लोगों का क्या हुआ? आइए इसके बारे में जानते हैं। दो जुलाई 1955 का वो दिन, अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर सुबह के समय धूप खिली हुई थी और पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की फ्लाइट 914 उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। इस फ्लाइट में यूज किया जाने वाला एमसी डोनाल्ड डगलस DC-4 विमान पैसेंजर्स को लेकर मायामी एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए एकदम रेडी था। समय पर सभी 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सवार होते हैं और प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। अब यूं तो रूटीन के अनुसार इस प्लेन को सुबह 9:55 पर मायामी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के अंदर फ्लाइट 914 एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार से गायब हो जाती है। अथॉरिटीज को कुछ पता नहीं चलता कि इतना बड़ा प्लेन आखिर आसमान में कैसे गायब हो गया। शुरुआत में सभी लोगों को लगता है कि शायद ये प्लेन अपना रास्ता भटक गया होगा और इसलिए इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन अफसोस कि महीनों तक खोजबीन करने के बाद भी इस प्लेन का एक टुकड़ा तक किसी को नहीं मिलता। और सारी कोशिशें करने के बाद अथॉरिटीज मान लेती हैं कि ये प्लेन शायद समुद्र में ही क्रैश हो गया होगा। ऐसा मानकर प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की फैमिली को एयरलाइन के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। समय बीतता है और लोग धीरे धीरे इस इंसिडेंट के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन फिर 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 के दिन वेनेजुएला के कैरेकस में साइमन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ATC की रेडार स्क्रीन में अचानक से एक डॉट यानी बिंदु टिमटिमाता हुआ नजर आता है। शुरुआत में ATC को लगता है कि एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली कोई नॉर्मल फ्लाइट होगी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद जब ये प्लेन दिखाई देने लगता है तब ATC और एयरपोर्ट पर मौजूद बाकी अथॉरिटीज पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। उन्हें हैरानी इस बात की होती है कि ये एक बेहद पुराना एमसी डोनाल्ड डगलस DC-4 विमान है, जिसे यूज करना दशकों पहले बंद किया जा चुका है। उन एम्प्लॉयज को ये प्लेन किसी और टाइमलाइन या किसी दूसरे यूनिवर्स से आया प्रतीत होता है। ATC को कुछ समझ नहीं आता कि प्लेन आखिर रेडार से बचकर अचानक उनके सामने कैसे आ गया और अब आगे ये क्या करने वाला है। इसी कश्मकश में ATC के अधिकारी प्लेन के साथ रेडियो संपर्क बनाते हैं और उन्हें एयरक्राफ्ट में सवार पायलट की आवाज सुनाई देती है। पायलट कहता है, हम कहाँ हैं? ATC की तरफ से कोई जवाब ना मिलता देख पायलट आगे उन्हें बताता है कि हम पैन एयरवेज अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की फ्लाइट 914 हैं। हमारे प्लेन में 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर सवार हैं और हमें न्यूयॉर्क से मायामी पहुंचना है। ये बात सुनकर ATC के अधिकारी हैरान परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये फ्लाइट अपना रास्ता भटककर 2200 किलोमीटर दूर एक अलग देश में कैसे आ सकती है। हड़बड़ाहट में ATC के अधिकारी प्लेन के क्रू से पूछते हैं कि क्या आपका प्लेन क्रैश होने की स्थिति में है और क्या हमसे पहले आपने किसी और से भी संपर्क बनाने की कोशिश की है। हालांकि ATC को उनके इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन प्लेन में पैसेंजर्स की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए वो लैंडिंग के रनवे को क्लियर करवा देते हैं। इसके कुछ मिनटों बाद डगलस DC-4 विमान के पहिए बहुत ही आराम से रनवे को टच करते हैं। और बिना किसी परेशानी के ये प्लेन कैरेकस के इस एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। लेकिन प्लेन नीचे उतरने के बाद जो होता है उससे सभी के होश उड़ जाते हैं।
दरअसल प्लेन रुकने के बाद पायलट फिर से एटीसी को कनेक्ट करके उनसे ये कहता है कि उन्हें 2 जुलाई 1955 के दिन सुबह 9:55 पर मायामी में पहुंचना था। ये बात सुनकर एटीसी अधिकारी शॉक्ड रह जाते हैं और वो जवाब देता है कि आपने कैरेकस वेनेजुएला के साइमन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है और आज 9 सितंबर 1992 का दिन है। ये जवाब सुनते ही पायलट हैरान परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि 37 साल का समय ऐसे ही कैसे बीत सकता है। पायलट को पैनिक होते देख एटीसी अधिकारी को लगता है कि ये कोई बड़ी गड़बड़ है और इसके पीछे गहरी साजिश भी हो सकती है। यही सोचकर वो तुरंत सिक्योरिटी को इस प्लेन के पास भेजता है और पायलट से अनुरोध करता है कि वो नीचे उतरकर सरेंडर कर दें। लेकिन इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स उन तक पहुंचते पायलट कहता है कि कोई भी हमारे करीब आने की कोशिश मत करना, हम यहां से जा रहे हैं। उसके इतना कहते ही प्लेन का इंजन फिर से स्टार्ट होता है और फ्लाइट 914 एक बार फिर आसमान में उड़ते ही रेडार से गायब हो जाती है। एटीसी का वो अधिकारी बाद में बताता है कि उड़ान भरने के कुछ पल तक प्लेन नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद वो नजरों के साथ ही रेडार से भी गायब हो गया। नेशनल सिक्योरिटी का मामला होने के नाते फ्लाइट 914 को ढूंढने के लिए 3 जेट विमानों को भी उनके पीछे भेजा जाता है, लेकिन घंटों तक ढूंढने के बाद भी इस पुराने प्लेन का आकाश में कोई अता पता नहीं चलता। ऐसा लगता है मानो इस हवाई जहाज को आकाश ने निगल लिया हो। हताश होकर सभी जेट विमान वापस आ जाते हैं, मगर करैकस से रवाना होने के कुछ घंटों बाद ही फ्लाइट 914 रहस्यमय तरीके से अपनी मंजिल यानी मायामी एयरपोर्ट पर लैंड करती है। करैकस के एयरपोर्ट की तरह मायामी में भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज और एयरलाइन ऑफिशियल्स इस प्लेन को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इतने पुराने प्लेन को एक रूटीन फ्लाइट की तरह लैंड करते हुए देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। खैर, प्लेन के सुरक्षित रूप से लैंड करने के बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और जांच में पाया जाता है कि यह वही एमसी डोनाल्ड डगलस DC-4 विमान है जिसने 2 जुलाई 1955 के दिन न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी थी। इस केस की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन के क्रू और पैसेंजर से ढेर सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन उन लोगों से उन्हें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलता जिससे उनके 37 साल बाद लौटने की गुत्थी सुलझ सके। आखिरकार उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत या शिकायत दर्ज ना होने के चलते उन सबको उनकी फैमिली से मिलने के लिए आजाद कर दिया जाता है। लेकिन जब ये लोग अपने घर पहुंचते हैं तो इस पूरे हादसे की सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली चीज होती है। दरअसल प्लेन में सवार सभी लोग बिल्कुल उसी हाल में थे जैसे वो 2 जुलाई 1955 के दिन प्लेन में सवार होने के दौरान थे। ना उनके कपड़े बदले थे, ना वो गंदे हुए थे और ना ही उनकी उम्र में कोई बढ़ोतरी हुई थी, जबकि उन सभी की फैमिली मेंबर्स 37 साल बड़े हो चुके थे। इनके ओल्ड फैशन कपड़े देखकर लग रहा था मानो ये किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनने जा रहे हों, क्योंकि 1992 में 1955 का फैशन पूरी तरह बदल चुका था। प्लेन में सवार इन लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो 37 साल बाद वापस लौटे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने बस कुछ ही घंटों का सफर तय किया है। ये हवाई जहाज 37 साल तक लगातार कैसे चलता रहा, ये कहां गायब हो गया था और ये प्लेन में मौजूद लोगों की उम्र क्यों नहीं बढ़ी? सवाल बहुत सारे थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। इन लोगों के फैमिली मेंबर्स इन्हें वापस पाकर खुश तो थे लेकिन उनसे कहीं ज्यादा हैरान भी थे, क्योंकि कई परिवारों में माता पिता और बच्चों की उम्र बराबर हो गई थी। इस हादसे पर बहुत जांच की गई लेकिन आज तक इसके होने की असली वजह का पता कोई नहीं लगा पाया। कोई नहीं जानता कि फ्लाइट 914 के साथ आखिर क्या हुआ था। कुछ लोग इसके पीछे टाइम ट्रैवल को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि इस प्लेन ने किसी तरह टाइम ट्रैवल कर लिया था जिसकी वजह से इसमें बैठे किसी भी इंसान की उम्र नहीं बढ़ी। साथ ही कुछ लोग इसे बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यह प्लेन बरमूडा ट्रायंगल में गुम हो गया होगा, क्योंकि वहां प्लेन के गुम होने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।
वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्लाइट 914 शायद गलती से किसी दूसरी टाइमलाइन या किसी दूसरे डायमेंशन में गुम हो गई। इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो इस हादसे को सच ही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि फ्लाइट 914 एक फिक्शन यानी मनगढ़ंत कहानी है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि गवर्नमेंट ने इस हादसे से जुड़े सभी सबूतों को जानबूझकर मिटा दिया था क्योंकि वो लोगों से कुछ छिपाना चाहते थे और इस तरह यह हादसा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। वैसे आपको क्या लगता है, फ्लाइट 914 एक रियल इंसिडेंट है या नहीं? और अगर है तो इस प्लेन के गायब होने का क्या राज हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एविएशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।